नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग 5 ईयर TD में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 ईयर TD में थ्रू एजेंट हमने अकाउंट को ओपन किया, तो ऐसे में दोस्तों इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर हम लोग 1 ईयर TD के अकाउंट को ओपन करें और उसको क्लोज़ कराएं, उसके बाद में फिर से क्लोज़ करने के बाद दोबारा से उसको अकाउंट को ओपन करें थ्रू एजेंट, फिर क्लोज़ करें, फिर से दोबारा अकाउंट को ओपन करें थ्रू एजेंट, ऐसा हम लोग दोस्तों 5 टाइम्स करेंगे, तो कौन से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो हम आज दोस्तों इसका कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों जो कंपैरिजन हम लोग करेंगे उसके लिए अमाउंट हम लोग 10 लाख रखेंगे। 10 लाख दोस्तों यहाँ पे फिक्स अमाउंट है, इसी का कंपैरिजन हम लोग 5 ईयर TD के लिए करेंगे और 1 ईयर TD के 5 जो अकाउंट होंगे उसके लिए करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 5 ईयर TD के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों 5 ईयर TD जो रहेगी, 5 ईयर TD का हमारा फ़िलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% है। तो 6.7% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट 68,702 रुपीज़ आएगा ईयरली। तो ऐसा इंटरेस्ट दोस्तों आपको 5 बार आएगा, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 3,43,511 हो जाएगा। ये आपका टोटल इंटरेस्ट होगा दोस्तों 5 ईयर TD का 10 लाख रुपीज़ का। और साथ में दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने जहाँ से कैलकुलेशन निकाली है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके साथ में दोस्तों अगर एजेंट के कमीशन की बात करें, तो 10 लाख पे दोस्तों एजेंट का कमीशन 0.5% है और उसके बाद उनका TDS कट जाता है 3.75%। तो 10 लाख पे टोटल उनका कमीशन 4,812 रुपीज़ आएगा। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपको आधा कमीशन इसमें से दे देता है जब आपने अकाउंट ओपन करा था 5 ईयर TD का, तो आपका जो इंटरेस्ट था 3,43,000 प्लस इसमें ये 4,812 है, इसका हाफ आपको कमीशन देगा। तो यहाँ पे अगर वो कमीशन इसमें ऐड कर देंगे 2,406 रुपीज़, तो इंटरेस्ट दोस्तों आपका 3,45,917 रुपीज़ ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट आपका 5 ईयर TD का। और मान लीजिए इसी में सेकंड केस दोस्तों, अगर जो एजेंट है वो आपकी जान पहचान का है, आपका कोई भाई बंधु है, तो आपको फुल कमीशन वो पेड कर देगा 4,812 का। तो इस केस में आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,48,323। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं, अगर आपका 1 ईयर TD का अकाउंट है, तो 10 लाख का अगर 1 ईयर TD का अकाउंट ओपन करते हैं आप थ्रू एजेंट, तो आपको पहले तो अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपका 56,144 आएगा। तो आप इसको अगर क्लोज़ कराएंगे और फिर से दोबारा अगर आपको रिन्यू कराएंगे इसको, यानी कि क्लोज़ करके दोबारा से न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करके थ्रू एजेंट, तो टोटल इंटरेस्ट आपका बनेगा 2,80,720। तो इस कंपैरिजन में दोस्तों हमने मान रखा है कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 ईयर TD का 5.5%, ये 5 साल के लिए चेंज नहीं होगा, यही इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। ये 5.5 इंटरेस्ट रेट जो रहेगा ये चेंज हो सकता है, ये इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम होने की ज़्यादा है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे आपने कैलकुलेशन देख ही ली है, लमसम यहाँ पे 10 लाख लिया है 5.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 56,144 आपका इंटरेस्ट आया है ईयरली। तो 5 टाइम्स में आपने यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाई दी है। तो यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि जो एजेंट है वो आपको हाफ कमीशन दे देगा, तो 2,406 रुपये यहाँ पर आपका कमीशन आएगा जो आपको एजेंट दे देगा, क्योंकि टोटल 4,812 था, हाफ आपको पे कर देगा 2,406। तो ऐसा आपको अगर आप 5 बार अकाउंट ओपन करते हैं 1 ईयर TD का, ओपन करके क्लोज़ करके, तो आपको टोटल कमीशन यहाँ पे 2,406 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल कमीशन 12,030 रुपये बनेगा। तो इसी कमीशन को दोस्तों टोटल इंटरेस्ट में अगर आप ऐड कर देंगे, तो टोटल इंटरेस्ट विद कमीशन के साथ में आपका 2,92,750 रुपीज़ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे दोस्तों आपका टोटल कमीशन निकल के आ चुका है 5 ईयर TD का, और टोटल कमीशन 1 TD का जो आपने 5 टाइम्स अकाउंट को ओपन करके क्लोज़ किया है विद एजेंट्स, तो 2,92,750। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अभी कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो कंपैरिजन क्या होगा, देखिए जो 5 ईयर TD का था उसमें टोटल इंटरेस्ट आपका बना था, ये उस केस में दोस्तों जब आपको कमीशन मिलेगा आधा, अगर एजेंट आपको हाफ कमीशन पे कर रहा है,
तो आपका इंटरेस्ट 5 ईयर TD के केस में बना है 3,45,917, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे जो आपका इंटरेस्ट बना है 1 ईयर TD का, 5 टाइम्स आपने अकाउंट को ओपन करके क्लोज करा है थ्रू एजेंट, आपने बार बार अकाउंट को ओपन किया है, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट बना है 2,92,750। तो माइनस करेंगे तो 53,167 का डिफरेंस आता है। तो ये 53,167 दोस्तों, ये अमाउंट है, ये आपको तब मिलती है जब आप 5 ईयर TD का एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, ना कि जब आप ज़्यादा सयाने बन के 5 ईयर TD को ना करने की बजाय 1 ईयर TD को अगर आप चुनते हैं और बार बार उसको दोबारा से थ्रू एजेंट आप वहाँ पे ओपन कराते हैं, ये सोच के कि आपको वहाँ पे कमीशन ही मिलेगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। 53,167 रुपये का नुकसान होगा आपको अगर आप ऐसा बार बार अकाउंट को ओपन करके क्लोज करते हैं। और इस केस में दोस्तों आपको और भी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आपको बार बार जो है आपको वहाँ पे अपना चेक देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सिग्नेचर वगैरह करने पड़ेंगे, पोस्ट ऑफिस में विजिट करनी पड़ेगी हो सकता है। तो इसके साथ में दोस्तों सेकेंड कंपेरिजन और दिखा देते हैं। उस केस में जब जो आपका एजेंट है वो आपका कोई भाई बंधु है, आपकी जान पहचान का है, तो वो आपका कोई भी कमीशन ना रखते हुए पूरा कमीशन अगर आपको पेड कर देता है तो भी कंपैरिजन आप देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट 5 ईयर TD का 3,43,511, आपको कमीशन उसने पूरा दे दिया 4,812 रुपये का, तो आपका पूरा अमाउंट जो आपको मिलेगा 5 साल में 3,48,323 मिलेगा, यानी कि 3,48,323 रुपये। और इसी के कंपैरिजन में इंटरेस्ट अगर आप लोग 1 ईयर TD का अकाउंट ओपन करते हैं, 5 टाइम्स आपने थ्रू एजेंट अगर अकाउंट को ओपन किया है, तो पहले तो 1 ईयर TD का 5 बार का इंटरेस्ट 2,80,720 आ गया, और हर बार आपने 10 लैक्स को थ्रू एजेंट अगर आपने अकाउंट ओपन कराया है और आपको हर बार पूरा कमीशन उसने पे करा है, तो 4,812 × 5, तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया एजेंट के कमीशन को मिला के 3,04,780 रुपये। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 43,543 रुपये का, 43,543। तो ये डिफरेंस दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें तो दोस्तों ये केस तो हमने जब माना है जब एजेंट आपको पूरी कमीशन की अमाउंट पे कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो आपको कभी भी पूरी अमाउंट पे नहीं करेगा। मोस्टली केसेस में ये होता है कि वो आपको सिर्फ हाफ ही अमाउंट पे करेगा। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं आपको कौन सा अकाउंट करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो भी करें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से करें, सोच समझ के करें, आपको किसी भी बताने पे विश्वास नहीं करना है, आपको खुद से एनालिसिस करना है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो आपका जो भी पैसा है उसको वेस्ट ना करें, किसी के भी बोलने पे ना आए, आप खुद भी वहाँ पे देख सकते हैं, एजेंट आपको ये बार बार बोल सकते हैं कि आपको हर बार अगर आप अकाउंट को ओपन करेंगे क्लोज करेंगे फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको बार बार उस पर कमीशन भी मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप 5 ईयर TD का अकाउंट एक ही बार में ओपन करते हैं तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट उसमें मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप 1 ईयर TD के 5 टाइम्स अगर आप अकाउंट को ओपन करेंगे। और 5 ईयर TD का अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो 1 ईयर TD के आप 5 अकाउंट ओपन करेंगे एक एक साल के बाद में, तो आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट में आपको चेंज देखने को मिलेगा, हो सकता है वो बहुत ही कम हो जाए, तो आपको लॉस होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें बिल्कुल सोच समझ के करें, ध्यान से करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।